दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट को जिसके नाम है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बारे में हम बताने की कोशिश पूरी करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि आपका चाहे सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट हो या फिर इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है, मोस्ट ऑफ जो आपके जो सब्जेक्ट के जो सिलेबस है, दैट मींस कंटेंट है, लेसन है, ठीक है, जिसे हम लेसन भी कह सकते हैं, चैप्टर भी कह सकते हैं, यूनिट्स भी कह सकते हैं, वो आपके सिमिलर है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर ये तो सब्जेक्ट है, कहीं ग्रेजुएशन में आ रहा है, कहीं मास्टर्स डिग्री में आ रहा है, कहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इस तरीके से आ रहा है। तो मैंने सबको कंक्लूड करके देखा तो वहां पे 20 चैप्टर्स ऐसे बन रहे थे कि जो कि कहीं ना कहीं सभी चैप्टर्स सभी यूनिवर्सिटीज को कवर कर देंगे। तो आज इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की कीजिए, देन उसके बाद हम फाइनेंस का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो स्टार्ट करें, आज हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो क्या कहता है ये, देखो नाम से ही क्लियर है, सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, ये जो शीट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे मोस्ट ऑफ मैं क्या करती हूँ, सभी सब्जेक्ट के जो मेन क्रक्स होता है चैप्टर का यहां समझाया जाता है, राइट। अब यहां पे देखो इंटरनेशनल का अगर शब्दों का मतलब समझे तो क्या कहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर, दैट मींस दो कंट्रियों के बीच में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, राइट, चाहे वो ट्रेड आपका गुड्स का हो, चाहे वो ट्रेड आपका सर्विसेज का हो, तो ट्रेड रहा है ना, और हो रहा है वो इंटरनेशनल लेवल, दैट मींस आप क्या कर रहे हो, अपनी बाउंड्री को, अपने कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस करके क्या कर रहे हो, दूसरी कंट्री के साथ व्यापार बढ़ा रहे हो, है ना, जिससे आपकी भी इनकम होगी, आप भी सामान मंगवा रहे हो या फिर आप सामान दे रहे हो, उसे कहेंगे हम इंटरनेशनल लेवल पे, दैट मींस जब हम क्या करते हैं अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं ट्रेड करने के लिए, उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल। अब बात आ जाती है बिजनेस की, बिजनेस से क्या समझते हैं, अब देखो कोई भी पर्सन होंगे, कोई भी एंटिटी होगी, कोई भी कंपनी होगी, वो चला तो बिजनेस ही रही है ना, और उनका मेन जो मोटिव होता है बच्चे वो क्या होता है, उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट करना होता है, और विदाउट प्रॉफिट तो हम ये भी नहीं देख सकते, कहते कि हाँ बिजनेस अच्छा चल रहा है, जब तक रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा, रिवेन्यू में से जो प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मानते बिजनेस में, है ना। तो यही बात कही है कि बिजनेस का मतलब वो है कि जब भी कोई एंटिटी, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल पर्सन एक प्रॉफिट मोटिव के लिए कोई संस्था चलाता है उसे हम कहेंगे बिजनेस। देखो ये दो तरह की होती है, एक तो प्रॉफिट मोटिव होता है और एक नॉन प्रॉफिट होता है, दैट मीन्स एक सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं, जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, राइट। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से बारे में क्या समझते हैं, जिस सर्कमस्टांसेस में आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो उसे हम क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट कहेंगे, दैट्स इट। अगर मैं बात करूं कि जैसे कि इंडिया के अंदर, मैं हरियाणा की बात कर रही हूं, ठीक है, आप हरियाणा में ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ पे डेयरी का एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, डेयरी, डेयरी समझते हैं ना, दूध की डेयरी, ठीक है, मिल्क डेयरी जिसे हम कहेंगे, जहाँ पे हमारे यहाँ पे बोलते हैं जो भैंस होती है, बफेलोज होती है, गायें होती है, उनको रखा जाता है और उनके से जो दूध प्राप्त होता है उनसे क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है, ये बिजनेस हो गया। अब यहाँ पे किस एरिया में सुटेबल रहेगी, ठीक है, अगर मैं हरियाणा को स्किप करके मैं कहीं और चली जाऊं, मैं नीचे वाले एरिया में चली जाऊं, क्या पता इतना प्रोडक्शन जहां मेरा यहां पर हो रहा था क्या मेरा यहां पे ना हो, मींस कि ऐसा एरिया, ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो। आपने देखा होगा कि आपके आसपास में, देखो मैं लेके चल रही हूँ यहाँ पे एक रोड है, जैसे कि मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल है, ठीक है, इमेजिनेशन करना, आपका जो घर है यहाँ पे, आपको ये पता है कि जो रोड पे जितनी भी दुकानें हैं, ठीक है, वो सब चल रही है, बिल्कुल ऐसे क्या बोलने का कहे जाए तो ऐसे धड़ाधड़ चल रही है ना, मीन्स की जो भी दुकान यहाँ पे ओपन हो रही है वो चल रही है, बट सबसे ज्यादा दुकान कौन सी चल रही है, मैं कह रही हूँ कि जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, जूस कॉर्नर हो गया, ठीक है, जैसे बेकरी की दुकान हो गई, ये ज्यादा चल रही है एज कम्पेयर टू अगर मैं कहूँ कि जैसे सूट हो गया, साड़ी हो गई है, इनकी दुकान को छोड़ के, क्योंकि ये जो दुकान है मेन मार्केट में अच्छा ऑपरेट करेंगे, है ना, और ये जो फास्ट फूड की हो गई या फिर मैं कहूँ खाने पीने की सामान हो गई, मेन मार्केट में अच्छा ऑपरेट कर रही है, क्यों, क्योंकि वहां पर मेन रोड पे बस में
जो सवारी करने वाले लोग होते हैं वहां खड़े होते हैं, अगर देखने के बाद उनका मन भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट उसे कहेंगे जो जहां पर आप ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ आपका बिजनेस क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं। आज हम इसी चैप्टर में यही डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देखो अभी मैंने आपको दिया, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट के जो कॉम्पोनेंट है क्या क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फिर दो कंपोनेंट है, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड द मैक्रो इन्वायरमेंट, इन सबको हम वन बाय डिस्कस करेंगे। माइक्रो के भी फिर हमारे 6 पॉइंट आते हैं, मैक्रो के भी हमारे 6 से 7 पॉइंट आते हैं जो कि आपके आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, इन सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ साथ हम लास्ट ईयर के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, कैसे आए थे, उन सबको मैं बताऊंगी। इन केस ऑफ द एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर बच्चे पूछे कि मैम इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको भी बता रही हूँ। वैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज तो वैसे भी डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ, सो अभी मैं आपको बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ओके। देखो पहले बिजनेस का मतलब मैंने आपको समझाया कि बिजनेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो कि करी जाती है बाय द इंडिविजुअल या फिर मैं कहूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किस लिए, कि प्रोड्यूस कर सके, सेल कर सके एंड प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज, किस मोटिव के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए, राइट। ये एक वाइड रेंज है, एक्टिविटी है, क्योंकि यहां पर जरूरी नहीं है कि आप छोटे स्टोर की बात करें, जरूरी नहीं आप बड़े स्टोर की बात करें, हर एक पर्सन का कोई ना कोई छोटा, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, बिजनेस बिजनेस होता है अगर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपने ऑपरेट किया तो, ओके। ये जो बिजनेस है फॉर द प्रॉफिट बिजनेसेस भी हो सकते हैं, नॉन प्रॉफिट भी हो सकते हैं, ओके। अगर बात की जाए ओवरऑल, अगर मैं इसका कंक्लूजन ड्रॉ करूं कि बिजनेस का मतलब क्या है, एक फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी है, मींस की एक सोसाइटी में, अब मैं कहूं कि आप आज के टाइम में ना तो सबसे ज्यादा चलने वाला है, जो अगर आप देखें ना ह्यूमन बींग्स की जो बेसिक नीड्स होती है क्या है, फूड है। अगर आप फास्ट फूड की अगर चाहे आप स्टॉल लगाए, या फिर मैं कहूँ कि आप शॉप ओपन कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि पूरा रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छा चलेगा, डजंट मैटर कि आपकी जो लोकेशन है कहाँ है, नहीं वो, क्योंकि ये बेसिक नीड है। क्योंकि अगर आप हाईवे पे भी ओपन कर रहे हैं तो वहां पे भी आप देख पाएंगे कि अगर कोई होटल या फिर रेस्टोरेंट हाईवे पे ओपन हुआ है तो उसके जो, अगर आपने कभी देखा होगा ना इनवॉइस पे इनवॉइस नंबर लिखा होता है, वो समझ पा रहे हो, तो ऐसा एक फैक्टर होता है जो कि सोसाइटी की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जब भी कोई बिजनेस नई एक्टिविटी मार्केट में लेके आता है और उससे लोग सेटिस्फाइड होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे, क्योंकि उस बिजनेस से कहीं ना कहीं आपकी जो वांट है, देखो अब मैं कहूँ कि आपको लहंगा खरीदना है या फिर मैं कहूँ कि आपको सूट खरीदना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस शॉप पे जाएंगे जहां पे सब चीज मिलती है, और वो उस बंदे का क्या है, बिजनेस है, राइट। कहीं ना कहीं आपकी डिमांड कंप्लीट हो रही है तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इवन आपकी जो दिखने वाले जो गैस्चर पॉस्चर है वो क्या नजर आ रहा है, बढ़िया नजर आ रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब ये, तो कहने का मतलब ये है कि जो बिजनेस है आपकी बेसिक नीड को कंप्लीट करता है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है, इनोवेशन की बात की जा रही है, मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन हो रहा है, हर महीने कोई ना कोई नई चीज आ रही है, नया इनोवेशन हो रहा है, विकसित हो रहा है ना अपने भारत, यही बात है ना, मीटिंग द नीड ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की नीड को कंप्लीट करता है, एंड कम्युनिटी जो भी आपकी सोसाइटी उसकी नीड को कंप्लीट करते हैं। और इंटरनेशनल की बात की जाए तो इंटरनेशनल का मतलब क्या है कि जब दो से दो ज्यादा कंट्री एक दूसरे से मिलकर कोई व्यापार करने के लिए बातचीत की जा रही है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है, इंटरनेशनल कहेंगे। इन्वॉल्विंग द टू और मोर कंट्रीज तो उसे हम इंटरनेशनल कहेंगे। इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इन्वायरमेंट क्या नहीं होता, अब मैं कहूँ कि आप ठंड के मौसम में कूलर सेल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, एसी सेल करना शुरू कर दीजिए, क्या वो प्रोडक्ट जो है क्या वो सेल होगा, नहीं। अगर मैं कहूँ कि जो विंटर के सीजन में ही, ठीक है, सर्दियों के मौसम में ही आप आइसक्रीम ऐसे जैसे वो टॉल लगा के घूमते हैं ना, या आई होप हमारे टाइम में तो बहुत होता था, अभी भी होता है, ठीक है, कभी कभी दिखते हैं, बट अभी तो, पहले बहुत ज्यादा होता था कि जैसे स्टॉल वाले जो अंकल होते थे ना ऐसे घंटियां बजा बजा के जाते थे, सर्दियों में कभी ऐसा देखा आपने, नहीं ना। तो बिजनेस का इन्वायरमेंट भी जरूरी होता है अगर आपको मार्केट में सस्टेन रहना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है, इवन चाहे वो वेदर हो, चाहे आपके जो प्रोडक्ट बनाने में जितने भी इंग्रेडिएंट यूज होने वाले उनकी बात की जा रही है, या फिर मैं कहूँ कि जैसे कि हर एक कंट्रीज के अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ और मैं जाना चाहती हूँ जैसे यूएसए में अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाहता हूँ, तो मुझे यूएसए के कंप्लीट रूल रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा कोई रूल है जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा तो नॉर्मल सी बात है, मैं उसमें वहाँ पे काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे रूल रेगुलेशन क्या है, ये इन्वायरमेंट है। कस्टमर कैसे है, अब मैं जैसे कि कहूँ कि जैसे कि हिली एरिया के जो कस्टमर्स होते हैं, मतलब कि जो पहाड़ी क्षेत्र के जो कस्टमर होते हैं, उनकी डिमांड कुछ और है,
ठीक है, वहां पे 12 महीने क्या हो रहती है, मोस्ट ऑफ बरसात होती है, तो वहां पे जो रेन रेन कोट हो गया या फिर मैं कहूँ छाता हो गया, अम्ब्रेला हो गया, उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं कहूँ राजस्थान में वही चीज बेचने जाओ तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, समझ पा रहे हो। तो कस्टमर की डिमांड भी डिपेंड करती है कि बच्चे कैसा डिमांड है, ठीक है। अब बात आ जाती है, अगर मैं इसको सबको मिला दू, बिजनेस को, इन्वायरमेंट को एंड इंटरनेशनल को, तो मतलब निकलेगा कि दोज एस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच हैव द इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, वो सारा का सारा सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या है, इन्वायरमेंट है, जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा उसके काम करने में, उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट कहेंगे। एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव एंड ग्रो ओनली, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तभी सर्वाइव करेगी, तभी ग्रो करेगी, जब वो तभी ग्रो कर पाएगी कंटिन्यूसली एंड क्विकली, जब वो क्या करेगी, जो इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आ रहा है ना उसको जल्दी से क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, तभी वो क्या कर सकती है, सस्टेन रह सकती है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे 2024 है, ठीक है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो इन केस अगर सरकार बदल जाती है तो क्या है, रूल रेगुलेशन कहीं ना कोई, जैसे पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं उसकी थिंकिंग पावर अलग पर्सन आ जाता है वहां पे, है ना। इन केस ये कहूं कि यही पर्सन आ रहा है तो क्या है, या तो समझ पा रहे हो लॉजिक, समझ मतलब कि इन्वायरमेंट के अंदर कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इवन मैं कहूँ कि टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अब जैसे कि जो आईटी सेक्टर है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, या फिर मैं कहूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो सेक्टर है, वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, है ना। हर चीज क्या है, इतना डेवलप हो गया कि इसकी आजकल जो गाड़ियां है ना वो भी ठीक क्या हो रही है, ऐसे गैजेट लगाया वो पता लगा देंगे कि ये जो दिक्कत है कहाँ है, गियर में दिक्कत है या फिर कहीं और दिक्कत है, ठीक है, इंजन में दिक्कत है, वो मीन्स की एक ऐसे इक्विपमेंट से पता लगा रहे। पहले क्या होते थे, मिस्त्री होते थे, है ना, हमारे यहाँ पे मिस्त्री कहते हैं जो गाड़ियां ठीक करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके कारण चेंजेस आ रहे हैं, डायनामिक जो वर्ल्ड है हमारा, ठीक है, वो जैसे ही चेंज होगा तो आपकी बिजनेस को भी प्रभावित करेगा, चाहे वो नए आइडिया हो, चाहे इकोनॉमिक चेंज हो, या पॉलिटिकल चेंज हो, या न्यू टेक्नोलॉजी, इन्हीं चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले। देखो बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो इंटरनल इन्वायरमेंट है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, इंटरनल ये एक ऐसा दायरा बना देते हैं, ठीक है, ये है इंटरनल, ये बिजनेस जो कि बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं व्यक्ति, और ये है बिजनेस के बाहर का एरिया, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर की बात की जाए, बिजनेस के अंदर क्या क्या होंगे, बिजनेस की खुद की पॉलिसी होगी, खुद के रूल रेगुलेशंस होंगे, राइट, और इवन कि कौन से मैन पावर आपने अपॉइंट कर रखे हैं, कौन सी मशीन का यूज कर रहे हैं, क्या आप टेक्निक का यूज कर रहे हैं, जो आपका जो मेन होल्डर है, टॉप मैनेजमेंट है, उसकी थिंकिंग पावर क्या है, ये सभी फैक्टर्स इंटरनल एनवायरनमेंट में आएंगे। दैट मींस वो एनवायरनमेंट, वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, वो फैक्टर्स जो कि आपको, आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, मींस थोड़ा बहुत क्या, मींस पुल ऑफ कंट्रोल होता है आपका, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगता है कि चेंज करना है तो आप इजिली धड़ल्ले से क्या कर सकते हो, उसके अंदर चेंज कर सकते हो, अगर आप, तो तभी तो उसको इंटरनल कहा गया है। देखो क्या कहते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल एनवायरनमेंट में केवल और केवल इंटरनल फैक्टर्स को ही इंक्लूड किया गया है, ठीक है, ऑफ द बिजनेस विच कैन बी कंट्रोल बाय द बिजनेस, जो कि बिजनेस के द्वारा क्या किया जाता है, जो बिजनेस को ऑपरेट करने वाले व्यक्ति उनके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, ओके। इट रेफर टू द एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मींस की कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ऐसे फैक्टर्स है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, जैसे कि जो हमारे बिजनेस जो होता है, मोस्टली जो ऑपरेट होता है वो 5 चीजों से, 5M से ऑपरेट होता है, मैन, दैट मींस हमारे जो लेबर है उनकी बात की जा रही है, मटेरियल, ठीक है, मनी की बात की जा रही है, मशीनरी की बात की जा रही है, और मैनेजमेंट की बात की जा रही है। देखो जब तक मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं पता चलेगा कि किसको क्या काम करना है, किसको कितना काम करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना किसको देना है, राइट। अगर मैन भी है, मटेरियल भी है, सॉरी मैनेजमेंट भी है, बट ये चीज नहीं है, तो क्या आप प्रोडक्शन कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर आपके पास मटेरियल है, बाकी चीज नहीं है, मींस की सारी की सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैन सब चीज है, मैन पावर अच्छा नहीं है, मींस की जो लेबर है वो काम करने वाली नहीं है, उसको उसके अंदर स्किल नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि वो लेजी पर्सन है, सुस्तू पर्सन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान तो होगा ना। तो यहाँ पे यही बात की गई है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट इन सभी फैक्टर से इफेक्ट होता है, जो कि कहीं ना कहीं आप इसके अंदर चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप लोन ले सकते हो, आपको मशीनरी में अडेप्टेशन चाहिए, नया अपडेशन चाहिए तो आप वो करवा सकते हो, मैन पावर चेंज करनी है तो उसका हटा दो भाई उसको,
ठीक है, तो इट इंक्लूडिंग द, इसके अंदर कौन कौन से और फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस के ऑपरेटिंग सिस्टम में इफेक्ट करता है, तो ये क्या है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ऐसा ऑब्जेक्टिव तो नहीं सेट कर रही है जो कि ये हो कि मतलब अनबिलीवेबल, ठीक है, मींस कि ऐसा तो नहीं है कि जिसको आप ये है कि आप अचीव ही नहीं कर पा रहे, है ना, ऐसा रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव हमें क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, मैनेजरियल पॉलिसी, मैनेजरियल पॉलिसी भी डिपेंड करती है लेबर मैनेजमेंट की, लेबर को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, उनके बीच में जो मैनेजमेंट है और जो लेबर है उनके बीच में अच्छा रिलेशन है या नहीं, है ना। आपके ब्रांड की इमेज क्या है, आपकी जो एंटिटी है उसकी इमेज क्या है, फिजिकल जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, समझ पा रहे हो, वो सही है या नहीं, जिसमें जिसमें इन्वायरमेंट में जो लेबर है वो काम कर रही है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्लम एरिया में आपको भिगवा दिया कि हाँ चलो वहां जाके आपको काम करना है, ऐसा होता है ना कि ऐसा है तो आपने देखा होगा जैसे मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्री एरिया में जो बच्चे जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक दो महीना उनसे काम होता है बट जो उनसे खाने की जो सर्विस होती है वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अच्छा नहीं होता, वो क्या करते हैं छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसा कुछ हुआ है। तो क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब तक खुद जो लेबर है जो एम्प्लॉई है वो खुश नहीं होगा तो आपके लिए अच्छा काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उस ऑर्गेनाइजेशन की जो टर्नओवर एम्प्लॉई छोड़ने की जो रेशियो वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्या है कि विजन एंड द थिंकिंग ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहे हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है कैसा सोच रहा है, उसकी विचारधारा कैसा है, राइट, ये सभी चीजें भी इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बिजनेस को अच्छा ऑपरेट कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप अगर बात की जाए इसकी विचारधारा गलत है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, तो इसीलिए इसको इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर डाला हुआ है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन लगानी पड़ेगी जिससे वो देख पाए कि हर चीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, वर्किंग कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं अब आपको देखो इनके ना अलग अलग पॉइंट भी बन सकते थे, ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने कंक्लूड करके आपको बताए हैं तो कहीं ना कहीं समझ में आ गए होंगे आपको, कोई मुश्किल वाला टास्क नहीं है, ठीक है। इंटरनल तो वो हो गया जो कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब वो है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं कंपनी का कंट्रोल निकलता जा रहा है, ठीक है। मीन्स कि अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल में भी ना दो पार्ट आ जाएंगे, ऐसा पार्ट फर्स्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं जिसके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल है, ठीक है, मैं मान के चल रही हूं कि अपना 50% कंट्रोल है, एक दूसरा पार्ट ये है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जिसके ऊपर 0% कंट्रोल है। अब यहाँ पे जो 50% के ऊपर है बात की जाए तो ये ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि मोस्ट ऑफ बिजनेस को सिमिलर वे से इफेक्ट करता है, बट जो 0% है ये सभी बिजनेस को सेम वे से इफेक्ट करता है, समझ पा गए। चलो मैं आगे और अच्छे से समझा देती हूँ, क्या कह रहा है कि देखो जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके दो फैक्टर है, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड देयर इज अ मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो क्या कहता है कि जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत कंट्रोल है आपका इसके अंदर, ठीक है। बट मैक्रो कहता है कि मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, मैं अगर मेरा जो फर्क है सब पे एक जैसा पड़ेगा, मैं ये ऐसा नहीं है कि उस पे कम डालो उस पे कम, नहीं मैं सब पे एक जैसा डालूंगा, इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है, हम इसको ये ले सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, राइट। तो देखो क्या लिखा है, माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर विच डायरेक्टली एंड कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस द वर्किंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस यूनिट और अ स्पेसिफिक फर्म। कहते हैं कि डायरेक्टली और लगातार ये वर्किंग कंडीशंस की जो बिजनेस की वर्किंग कंडीशन है उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, ठीक है। ये किसी स्पेसिफिक बिजनेस की भी बात हो सकती है या फिर मैं कहूं कि किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात हो सकती है, ठीक है, इंडिविजुअल बिजनेस की। बट माइक्रो एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट है जिसका इंपैक्ट सबके ऊपर एक जैसा बढ़ेगा, जैसे कि यहां पर देखो ये लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल फोर्सेज विच हैव होमोजीनियस इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर के सारे सेक्टर के अंदर सबके ऊपर सेम इफेक्ट पड़ेगा, ये नहीं है कि हाँ मोमोज वाले पे नहीं पड़ा, हाँ और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर पड़ेगा, नहीं सबके ऊपर सेम पड़ेगा, समझ में आ गया। तो चलो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो माइक्रो एनवायरमेंट के अंदर आते हैं। माइक्रो एनवायरमेंट के अंदर मतलब कि वो है इमीडिएट सराउंडिंग द सराउंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इफेक्ट द ऑपरेशन एंड द परफॉर्मेंस। देखो हमने भी एक बात पढ़ी थी,
ये जो ये पॉइंट है यहाँ पे हमारा बिजनेस है, ये आ गया, एंड देन अब ये पॉइंट जो है यहाँ पर सेकंड लेवल जिसे हम कहेंगे, सेकंड लेवल हमारा क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट का है, जिसको ये कहते हैं कि जिसके ऊपर हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर मैं कहूंगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इमीडिएटली सराउंडिंग द ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट बाहर होता है, दैट मींस यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलते ही आपको ये एनवायरनमेंट फैक्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इमीडिएट इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डायरेक्टली इफेक्ट इट्स ऑपरेशन एंड द परफॉर्मेंस, जो कि उसकी ऑपरेशन और परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। इट इंक्लूडिंग जैसे कि कस्टमर हो गया, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर तो नहीं होते, और कस्टमर क्या होते हैं, बाहर होते हैं मार्केट में। सप्लायर जिनसे सामान खरीदते हैं वो भी क्या होते हैं, बाहर होते हैं। कंपटीटर ये भी क्या होते हैं, उसी मार्केट में होते हैं। देखो ये एक मार्केट है, यहाँ पे आपको अपने कस्टमर भी मिलेंगे, यहाँ पे आपके आपको सप्लायर भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको आपके कंपटीटर भी मिलेंगे, और यहाँ पे आपको अपने उन वो पर्सन भी मिलेंगे जो आपको अपने बिजनेस में मदद करते हैं, इंटरमीडिएटरी जिसे हम कहेंगे, राइट, ठीक है। और पब्लिक भी मिलेगी जो आपके इमेज, आपकी ब्रांड, आपकी कॉरपोरेशन सेक्टर के रिगार्डिंग जो उनके माइंड में जो थॉट है, इमेज है, व्यू है, गुडविल है, उनके बारे में आप वो भी आपको इसी मार्केट में मिलेंगे। दैट मींस आपके बिजनेस से बाहर निकलते ही ये स्टेप आपको पांचों व्यक्ति मिलेंगे जो कि आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो दीज फैक्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल फॉर द शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन एंड द सक्सेस। अगर आप इनके अगर गहनता से देखा जाए ना, अगर आपकी दुकान पे कस्टमर ही नहीं आ रहे तो क्या आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं। अगर आपकी दुकान पे जो सामान ही नहीं पीछे से आया, सप्लायर ने सामान ही नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आप कस्टमर की डिमांड को ही सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इन केस जो कंपटीटर ने प्राइस लो कर दिया, या फिर मैं कहूँ कि ऐसा प्रोडक्ट लेके आया जो आपके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इंटरमीडिएटरीज की बात की, जैसे कि होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बैंक हो गए, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एनबीएफसी हो गए, ये सभी आएंगे, है ना। अगर ये अगर अच्छे से ऑपरेट नहीं करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो शेप है, ऑर्गेनाइजेशन की जो अगर बढ़ता जा रहा था ना, वो क्या हो जाएगा, गिरता भी आएगा नीचे, है ना। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की जो शेप है वो बदल सकते हैं, क्योंकि कस्टमर इन्फ्लुएंस सेल, कस्टमर अगर आ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, सेल हो रही है, सेल हो रही है तो दैट मीन्स रिवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। तो ओवरऑल जो अगर आप स्ट्रक्चर देखिए ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्या होगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर बात की जाए सप्लायर की, तो वहां पे बात की जाती है कि कितना नेसेसरी रिसोर्सेज इंपैक्टिंग द ऑपरेशन एंड द कंपनी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उनको रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड करोगे तो आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। देखो ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं आपको इन डेप्थ में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सप्लायर का पहला पॉइंट है, दीज आर द इंडिविजुअल और द बिजनेसेस। ये एक इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, या फिर मैं कहूँगी एक पूरा का पूरा बिजनेस भी हो सकता है जो कि प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल, या फिर मैं कहूँ रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो भी बिजनेस को चाहिए, जो भी कंपनी को चाहिए होती है, ठीक है। इन केस यहाँ पे दो केस लेके चलते हैं, पहला पॉइंट आता है रिलायबिलिटी का, एक कॉस्ट का होता है, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है यहां पर, कि मेरे पास एक ही सप्लायर है, ठीक है, पूरी मार्केट में से मैंने केवल एक ही सप्लायर रखा हुआ है, और मेरा जो बिजनेस है वो है, मान लीजिए जो बूथ होते हैं ना, बूथ मिल्क के बूथ होते हैं, जैसे कि विटा बूथ होते हैं, लक्से के बूथ होते हैं, मदर डेयरी का बूथ होते हैं, ठीक है, ये मैं बूथ चला रही हूँ, ठीक है, और मैंने केवल एक ही सप्लायर रखा हुआ है जो कि मुझे हर चीज वैरायटी देगा, चाहे वो मिल्क हो गया, चीज हो गया, ब्रेड हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, ये मुझे एक ही देगा। अब रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, कि आप केवल आपने एक रिस्क लिया हुआ है कि आप केवल एक ही पर्सन से सामान मंगवा रहे हैं। इनकेस इसने मना कर दिया तो आप तो बिल्कुल नीचे ही आ जाएंगे, है ना। तो आपको अपने इस सप्लायर के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये मुझे सामान देगा, तो सप्लायर रिलायबल होना चाहिए। अगर रिलायबल नहीं है तो कहीं ना कहीं वो रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बात की जाए कॉस्ट की, इन केस में कहूं कि मेरे पास काफी सारे सप्लायर है, तो जिससे मुझे कॉस्ट कम पड़ेगी मैं उससे से ही क्या करूंगी, सामान मंगवाऊंगी, दैट्स इट। जब ये पता लग रहा है कि इसके पास चार अल्टरनेटिव है तो सारे एक दूसरे से क्या करेंगे, कम रेट बताएंगे, जैसे कि टेंडर होता है ना, जैसे मिस्त्री आप घर में बुलाते हो, अगर आपके पास चार मिस्त्री और चारों एक साथ एक टाइम प्रेजेंट है, चारों ने अपना अपना रेट बता दिया, तो लास्ट वाला क्या सोचेगा कि मैं उससे सबसे कम बता दूं, कम से कम इतने पैसे तो मिल रहे हैं ना। तो यहाँ पे यही बात है कि आपकी कॉस्ट भी क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है।
नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर, कस्टमर इज ऑल्सो किंग ऑफ द मार्केट। अगर आपने कस्टमर को खुश नहीं किया तो आप वैसे ही मार्केट से बाहर है, अगर खुश कर दिया तो वो खुश करने के बजाय आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्वालिटी भी बेस्ट देनी पड़ेगी, है ना। आपको कस्टमर की नीड जो है, उनकी प्रेफरेंस जो है, उनकी बाइंग बिहेवियर है, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है। अगर बात की जाए कंपिटिटर, कस्टमर कस्टमर नहीं अपने कंपिटिटर के ऊपर भी ऐसे आंख लगा के बैठनी होगी, क्यों, क्योंकि अदर बिजनेस कंपिटिटर कौन होता है, ये नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा ऐसे मैं कहूंगी जितनी भी दुकानें मेरी कंपिटिटर है, नहीं, कंपिटिटर कौन होगी जो आपके जैसा बिजनेस करता हो, आपके जैसा सेम एक्टिविटी परफॉर्म करता हो, आपके जैसे ही क्या करता हो, प्राइस सेट किया हो, फिर ये होता है कंपिटिटर। समझ पा रहे हो कि अदर बिजनेसेस ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री दैट ऑफर द सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसे कहते हैं कंपिटिटर, ठीक है। तो आपको आपकी कंपिटिटर के बारे में क्या पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, वीकनेस पता होनी चाहिए, दोनों बात पता होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ से आपको ये पता लगेगा कि कहीं ना कहीं उस फैक्टर में आप वीक है। अगर उसकी वीकनेस पता चलेगी तो आपको ये पता लगेगा कि ये तो मेरे में पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट है जो उसके में वीकनेस है, और उसके में जो पॉजिटिव है वो मेरे में वीकनेस है, कैसे मैं इन चीजों को ओवरकम कर सकूं। समझ पा रहे हो। चलो जी, इंटरमीडिएटरीज की बात की जाए तो इंटरमीडिएटरीज वो पर्सन होते हैं जो आपको और आपके जो कस्टमर हैं उनको दोनों को मिलाने का काम करते हैं, उनको कहा जाता है इंटरमीडिएटरी, चाहे वो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, नाइका, ये सभी के सभी क्या है, सेलर अपना सामान वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बायर क्या कर रहे हैं, जैसे कि ऑफर आता है दिवाली पे, होली पे, क्रिसमस पे, ये सभी ऑफर आते हैं, तो कस्टमर सेलर के बीच में क्या बनाया, एक रिलेशन बनाया है, तो इसे क्या कहेंगे, हम इंटरमीडिएटरीज कहेंगे, राइट। जिसके कारण जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज है उनकी एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। चलो जी, पब्लिक के बारे में बात की जाए, पब्लिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे उन पर्सन की बारे में बात करते हैं कि जिसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल हूं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर मैं कहूं कि आपने किसी दुकान से, ये एग्जांपल ठीक है, आपने किसी दुकान से सामान खरीदा और उस सामान खरीदने के बाद आपने यूज किया, ठीक है, और यूज करने के बाद ये देखा कि ये सामान तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, इसको यूज करने से, जैसे कि मैं एग्जांपल हूं कि आपने हेल्दी होने के लिए, ठीक है, अपना वेट गेन करने के लिए आपने इस शॉप से क्या लिया है, प्रोटीन लिए, और आपके लिए वो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, तो आप दो तीन लोग, जितने भी आपसे लोग पूछेंगे कि अरे आजकल क्या खाने लग गया है तू, तो आप ये क्या कहेंगे कि मैं तो उससे ये सामान लेके आया था, और ये क्या इसके ये कस्टमर नहीं बन जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, बनेंगे नहीं बनेंगे, राइट। अगर ये कहेंगे अरे यार कुछ नहीं इन सामानों का, ये तो ऐसे ही आते हैं, एयरफोन की कितनी सिचुएशन आई हुई है ना, कितनी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़े क्योंकि स्ट्रेस है, और वो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं पता नहीं क्या है, अगर स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको किसी शॉप पे जाके इस तरीके के सामान भी नहीं खरीदने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उनके बारे में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए क्या है, आपके लिए पॉजिटिव व्यू है तो गुड, अगर आपके लिए नेगेटिव व्यू है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट है। समझ पा रहे हो, लाइक जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गया, ठीक है, या मीडिया हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी होगी, लोकल कम्युनिटीज होगी, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, तो ये सब भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना व्यू दिखाते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा है, इस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा है ना। जब कहीं आप एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, तो क्या करते हो, रैंक करते हो ना कि ये यूनिवर्सिटी पहले, ये यूनिवर्सिटी पहले, ये यूनिवर्सिटी, अरे इसमें तो जाना ही नहीं है, करते हो ना, तो ये क्यों है, क्योंकि आपने आपके आस पास देखा है ना, बस यही तो है। ये क्या होते हैं आपके इंटरनल इन्वायरमेंट, जो वो इन्वायरमेंट, सॉरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फर्स्ट पॉइंट हो चुका है माइक्रो एनवायरनमेंट, जो कि कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलते ही आपको नजर आएंगे। अब बात उनकी कर लेते हैं, देखो इनके ऊपर तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकते हैं, आप कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकते हो, कंपटीटर की वीकनेस के ऊपर ध्यान रख सकते हो, सप्लायर आप एक से दो रख सकते हो जिससे आपकी जो रॉ मटेरियल है, क्वांटिटी है, वो टाइमली पहुंच पाए, है ना। इंटरमीडिएटरीज भी एक से ज्यादा रख सकते हो जिसके कारण आपकी ट्रांसपोर्टेशन में, या फिर मैं कहूंगी डिलीवरी करने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, पब्लिक के लिए आप अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हो। बट अभी ये फैक्टर आ रहे हैं जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते भाई, और वो पर्सन कर सकते हैं जिसके पास पहले ही अबंडेंट में ये पॉजिटिव फीचर है। जैसे एग्जांपल दिया जाए लॉकडाउन के अंदर, जैसे कि टीचर्स का एग्जांपल होंगी मैं, ठीक है, जिन टीचर्स को क्या होता था कि ऑनलाइन, जैसे कि वेबसाइट या फिर मैं कहूँगी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना रहा था, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पॉइंट्स था, और जिन टीचर्स को
इसके बारे में, जैसे कि जूम ऐप पे सबसे ज्यादा मीटिंग ली गई थी, ठीक है, जैसे कि अब यूट्यूब पे चली हुई है तो गूगल पे चली होती है, गूगल मीट पे चलती है जैसे, ठीक है। ये इतनी सारी क्लासेस का अगर किसी टीचर को ऑपरेट करना नहीं आ रहा, पीडीएफ अपलोड करनी नहीं आ रही, जैसे कि मैं राइट आउट डाउन कर रही हूँ, तो ऐसे करना नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए नेगेटिव पॉइंट्स है। पॉजिटिव किसके लिए? जिनके लिए, जिनको आता है। तो माइक्रो एनवायरमेंट में तो कहीं ना कहीं किसी के लिए ये थ्रेट क्रिएट कर सकता है। थ्रेट दैट मींस कि आपके लिए डर है कि कहीं ना आप उसको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर तो ना जाओ, आपको बाहर वाला गेट तो नहीं दिखाते कि जाओ देखो वो रहा, ऐसा तो नहीं है। अगर आपके पास पॉजिटिव है तो आपके लिए उस टाइम अपॉर्चुनिटी है कि उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर मात्रा में फायदा उठाएं, जितना हो सके करके दिखाएं, है ना। अब वही फैक्टर है, सबसे पहले इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चर एंड डेमोग्राफिकल, नेचुरल, फिजिकल, इन सबके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ओके। चलो, इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्या होता है, देखो शब्द से समझो, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। एनवायरमेंट तो पता चल गया कि आपके आसपास के वातावरण की बात की जा रही है, अब बात की जा रही है इकोनॉमिक की, अर्थव्यवस्था की, जैसे कि इनकम लेवल की, या फिर मैं कहूं कोई भी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी है, जैसे कि मैं कहूं मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है, कंपनीज के जो रूल रेगुलेशन है उनकी बात की जा सकती है, या फिर मैं कहूं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को, अपने अपनी कंट्री को ऑपरेट करने का जो सिस्टम होता है, जैसे कि आपको पता है अपना जो भारत है कौन से इको सिस्टम के अंदर आता है, सोशलिज्म में आता है, या फिर कहूं कैपिटलिज्म में आता है, या फिर मिक्स इकोनॉमिक में आता है, राइट, इन सब के बारे में बात की जा रही है, समझ पा रहे हो। तो क्या लिखा हुआ, इकोनॉमिक फैक्टर विच हैव द इंपैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, इट्स मेनली हैव द थ्री एलिमेंट, इसके तीन एलिमेंट है, क्या क्या, इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है, कि कैसे इकोनॉमिक कंडीशन है, कि महंगाई ज्यादा तो नहीं हो रही, डिप्रेशन तो नहीं आ रहा, मंदी तो नहीं आ रही, इनके बारे में बात की जा रही है। इकोनॉमिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब ये है कि आपके पास आपकी इनकम का लेवल कितना है, आपकी, अगर मैं कहूं कि आपकी जो एनवायरनमेंट के अंदर बूम की सिचुएशन है, बूम अच्छा है, हर चीज पॉजिटिव वे में जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, मार्केट, इवन आपको पता है जब भी बूम होता है तो क्या होता है, मार्केट के जो शेयर की प्राइस होती है ना वो भी इतनी बढ़ जाती है, मतलब आउटस्टैंडिंग, है ना। इन केस वो मैं कहूं कि डिप्रेशन आ गया, मींस की मंदी काल आ गई है, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, गिरने शुरू हो जाएंगे, है ना, गिरने शुरू होंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा बिजनेस के ऊपर वो बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। अब ये तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही ये कंट्रोल कर सकते, तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक के जो फेज नजर आते हैं, देखो फेज ही होते हैं कि कभी बूम कभी डिप्रेशन, कभी बूम कभी डिप्रेशन, ऐसा चलता है, आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नेचुरली है, ठीक है। ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है मार्केट में इनको कंट्रोल करने का। अब बूम आया तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी कि मीडियम लेवल पे भी आए, अगर ये मीडियम से नीचे चला जाए तो ऊपर भी लाना पड़ेगा, तो समझ पा रहे हो जी, ओके। चलो जी, नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक पॉलिसी। पॉलिसी की बात की जाए तो जैसे कि हर एक पॉलिसी, जैसे कि मैं कहूंगी मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ी ना, बिजनेस इन्वायरमेंट का वैसे भी टॉपिक है, मॉनेटरी पॉलिसी एक सेपरेट चैप्टर है, और फिस्कल पॉलिसी भी एक सेपरेट चैप्टर है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी भी, ये जितने भी मैंने पॉलिसी लिखी है ना ये आपके चैप्टर है, पता है आपको, नहीं पता, अगर जिनके भी अंदर आते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको ये सभी चैप्टर की वीडियोस जल्दी ही मिलेगी। जैसे कि हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के बारे में, सबसे बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं, हम इस चैप्टर के अंदर इन सभी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और इवन साथ साथ हम इसके मॉडर्न, न्यू क्लासिकल, क्लासिकल थ्योरी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इन पॉलिसीज के अंदर चेंज आ जाए, तो जैसे कि मैं कहूँ कि बिजनेस के अंदर, यहाँ पे मान लो 2023 के अंदर पॉलिसी बनाई हुई थी, बिजनेस इसी तरह से ऑपरेट कर रहे थे, 2024 के अंदर मान लीजिए गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेके आ जाए, ठीक है, तो बिजनेस को तो इफेक्ट पड़ेगा ना भाई, अब इस नई पॉलिसी को अडॉप्ट करना, पुरानी को फिर हटाना, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स टास्क है, समझ पा रहे हो। तो चाहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में चेंजेस आना, इन सब के बारे में बात की जा रही है। अब आ जाती है कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट में ही थर्ड पॉइंट है हमारा, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, कौन कंट्री, कौन सी कंट्री किस इकोनॉमिक सिस्टम पे, मींस कि हमारा जो सिस्टम है ना किनके हाथों में है, वो बात की जा रही है। क्या वो सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, या सारा का सारा गवर्नमेंट ही चलाती है, या दोनों को मिक्स करके हम चला सकते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले यही बात है,
इकोनॉमिक सिस्टम क्या है कि आपका जो सिस्टम है कैपिटलिज्म तो नहीं है, सोशलिज्म तो नहीं है, या मिक्स्ड इकोनॉमी है, इनका मतलब क्या है? कैपिटलिज्म का मतलब होता है जब क्या होता है कि जब आपका जो बिजनेस है या सॉरी आपकी जो कंट्री है वो किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डोमिनेटेड होती है, और सोशलिज्म की बात की जाए वो स्टेट होती है जिनको क्या किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट प्ले अ मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सच इकोनॉमी। सोशलिज्म में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का रोल होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट का रोल होता है, सबसे ज्यादा नहीं मोस्ट ऑफ, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है कि जो क्या करती है दोनों को मिक्स करके क्या करती है काम करती है, जो कि हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया हमारा, ठीक है, इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक है, ओके। चलिए तो आपका एक फैक्टर हो गया। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। देखो पॉलिटिकल से समझती है आप क्या समझ पा रहे हो, राजनीतिक से सोच रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्या कह रहे हैं कि जो आपका लीडर है उसकी थिंकिंग पावर, थिंक कैसे कर रहा, सोच कैसे रहे, ठीक है, उसका विजन कैसा है, उसका दूसरी कंट्री के साथ नाते कैसे हैं, ठीक है, रिलेशन जिसे हम कहेंगे, इनके बारे में बात की जा रही है। क्या आपका जो लीडर है ये पिछले काफी सालों से स्टेबल है, ये तो नहीं है कि इस साल ये, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये, फोर्थ टाइम कोई हो रहा है, ऐसा हो तो नॉर्मल सी बात है, हर एक इंसान जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक पर्सन की जो फिंगरप्रिंट होती है डिफरेंट होते हैं, तो हर एक इंसान की जो विचारधारा होते कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है, तो जैसे ही पर्सन चेंज हुआ, जैसे ही पर्सन की जो पद्धति चेंज हुई, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा कि सोच विचारधारा भी चेंज होगी, उसकी जो सोचने का तरीका है, उसका जो प्रस्पेक्टिव है, सारा का सारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा गया क्या कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर मैं कहूँ कि स्टेबिलिटी की बात की जाए, रिलेशन की बात की जाए, मिलिट्री या डिफेंस के रिगार्डिंग उसकी क्या विचारधारा है, वेलफेयर एक्टिविटीज कैसी है, सेंटर के स्टेट के साथ रिलेशनशिप कैसी है, अगर कोई अपोजिशन पार्टी, ठीक है, उनको अप्रोच करे, जैसे कि कहते हैं कमेंट कर दिया, तो उसका उनके प्रति क्या विचारधारा है, उनका आंसर नीचे दिया। क्या कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में बात की जाए गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर उसकी थिंकिंग के बारे में बात की जाती है कि उसकी थिंकिंग कैसी है, उसकी विचारधारा कैसी है, उसका विजन कैसा है उस गवर्नमेंट का, कि वो इकोनॉमिक इवन सोशल दोनों की तरफ उसका प्रस्पेक्टिव कैसा है, ठीक है। वो बताते हैं कि किस तरीके का बिजनेस हमारी कंट्री में ऑपरेट हो सकता है, कौन से सेक्टर, कौन से बिजनेस हम प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं, कौन से जो एरिया है पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है, ठीक है, और कौन सा एरिया जो फॉरनली कंपनी क्या कर सकती है वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट मींस एक एरिया बता दिया, अगर वो एरिया लिमिटेड कर दे तो नॉर्मल सी बात है रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, हर चीज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। जैसे कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्ट करना शुरू कर दे ना, मीन्स की बाहर से मंगवाना शुरू कर दे, तो सरकार क्या करती है ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाना शुरू कर देती है, कस्टम्स ड्यूटी लगा कर देती है, पता है। तो यहाँ पे तो क्यों करती है, दूसरा कारण ये भी है कि हमारे देश से कंट्री जो करेंसी, हमारे देश की करेंसी वो जा रही है बाहर, उसको ऊपर कंट्रोल करना है। दूसरा जो डोमेस्टिक लेवल पे जो वो पर्सन है, इंडस्ट्री जो पर्सन है, उनका भी तो नुकसान हो रहा है ना। अगर सामान यहाँ पे बनाने में 20,000 का लग रहा है, ठीक है, 20,000 का बन रहा है, बाहर से सामान बन के तैयार होके 12,000 का आ रहा है, तो दुकानदारों को तो भाई इसमें फायदा है, बिजनेसमैन को तो इसमें थोड़ी ना फायदा होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको इस जितना बना देती है, तो क्या सोचेंगे कैसे बनाएगी, टैरिफ ड्यूटी कस्टम ड्यूटी ये सब लगा के कहीं ना कहीं 18-20 का पड़ जाएगा। तो लोग क्या सोचेंगे कि चलो अपने ही कंट्री से इंडस्ट्री वाले मैन्युफैक्चर से खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे इसको भी बढ़ावा दिया जाता है, समझ पा रहे हो। चलो जी, अगर मैं कहूँ कि अगर गवर्नमेंट जो है फ्रीक्वेंट चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है बिजनेस के लिए भी और इवन गवर्नमेंट के लिए भी, अगर वो स्टेबल नहीं रही तो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इसको बाद में देखेंगे, कि जो रिलेशन है गवर्नमेंट के अदर कंट्रीज के साथ, अगर मैं कहूंगी जैसे कि एक गवर्नमेंट के, एक सरकार के दूसरी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है, तो नॉर्मल सी बात है ना, वहां पे जो जाने वाले, जो जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड चला हुआ है कि बच्चे विदेश जा रहे हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो हम क्या है इवन जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर उस कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन होगा ही नहीं, जिस कंट्री के बच्चे वहां पे जा रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होगा, ऑब्वियस ही बात है बिल्कुल रूड तरीके से बात करेंगे, इवन उनका एक्सप्लोटेशन भी हो सकता है, राइट। अगर उनके साथ अच्छा बिहेवियर है, अच्छा उनके साथ रिलेशन है उस कंट्री के साथ, तो क्या होने वाला है, उनका भी अच्छा स्वागत करेंगे, या फिर उनकी तारीफ करेंगे, या फिर जब वो उस कंट्री में विजिट कर रहे हैं, वहां के जो पीएम है या फिर मैं कहूँ प्रेसिडेंट है, तो वहां पे क्या होता है, समझ पा रहे हो। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई अपोजिशन पार्टी
अपोज कर रहा है, अभी उनकी ये उनको अप्रोच कर रहा है, तो उसका उसके प्रति भी एक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज को नेगेटिव ही ले, उसमें से क्या पता कुछ पॉजिटिव थिंक भी निकल के आए, क्या पता आपके लिए कुछ नई विचारधारा निकल के आ सकती है ना। जैसे होता है ना कि आप इस पे पे नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या पता उस जैसे कि पहले पेमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, आपके पास अगर कैश नहीं है तो आप कैसे पेमेंट करें, तो ये एक नया विचारधारा निकल के आए। तो इसी तरह से हर चीज में क्या हो सकती है, नई विचारधारा निकल सकती है। ठीक है, ये आपका हो गया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जहां पे हमने डिस्कस किया कि इसकी जो सरकार की जो सोचने की विचारधारा की कैसी है, स्टेबल है या नहीं है, उसका रिलेशन भारत के लोगों के, भारत के जो कंट्री है, जो भारत कंट्री है उसका अदर कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, मिलिट्री के रिगार्डिंग उसकी क्या विचारधारा है कि कितना पैसा लगाना चाहिए, कितनी फंडिंग होनी चाहिए, सब बजट में पास भी होता है ना। तो ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम एक सोसाइटी में बैठते हैं, इवन आप भी एक कॉलेज के अंदर है, यूनिवर्सिटी के अंदर है, या फिर मैं कहूँ स्कूल के अंदर है, आप वहां पर डिफरेंट डिफरेंट जो कास्ट के जो बच्चे वहां पे बैठते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन के जो बच्चे वहां पे बैठते हैं, आप फिर भी फ्रेंड्स बन जाते हैं, बनते हैं नहीं बनते, आप एक दूसरे की जो ट्रेडिशन है, एक दूसरे के जो बिलीफ है उनको समझ जाते हैं, आप इनको को समझेंगे, ये आपके समझेंगे, है ना। तो हर एक पीपल के जो एथिक्स होते हैं, या फिर मैं कहूँ उसका कल्चर होता है, उसके बिलीव होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन्हीं बातों के बारे में बात की जा रही है कि कैसे ये बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, क्योंकि जो एक कस्टमर है, सभी कस्टमर को देखो अलग अलग पॉइंट है। अगर जैसे कि मैं बात करूं कि पहले जो एजुकेशन के सिस्टम में एजुकेशन पहले वुमेन्स को नहीं दी जाती थी, है ना, मोस्ट ऑफ क्या होता था कि जो मैन होते हैं उनको ही, पुरुष जो प्रजाति है उनको ही ज्यादा क्या किया जाता था, एजुकेट किया जाता। बट जैसे ही हमारे जैसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में एक जैसे लड़की ने अच्छा पढ़ दिया, जैसे ये परिवार में भी होते हैं, अगर एक परिवार में एक लड़की अच्छा कर जाती है ना, तो उसके जो नीचे वाले जो भाई बहन है ना उनके लिए रास्ता क्लियर हो जाते हैं, है ना, समझ पा रहे हो, इस बात को समझ पा रहे हो। तो इसी तरह से इनके अंदर है कि सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट भी आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है। क्यों करता है ये अब बात करते हैं, क्योंकि जब अगर बात की जा रही है पढ़े लिखे इंसान की, तो उसकी विचारधारा अलग होगी ना, है ना। अब मैं कहूं कि अब पहले वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर किसी भी तरह का सिस्टम नहीं था, अब यहाँ पे वुमेन्स को भी क्या किया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है। तो प्राइवेट जो कॉलेजेस है उनके अंदर एडमिशन की जो सबसे ज्यादा लिस्ट में ना लड़कियां मिलेंगी, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे वुमेन कॉलेजेस बनाए गए हैं, तो एक स्पेशल एक तरह का बिजनेस तो है ना। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी, ये जो फैमिली सिस्टम की बात की जाए, तो पहले क्या होता था कि एक ही परिवार में सारे के सारे लोग रहते थे, है ना। अब क्या हो रही है, फैमिली जो जॉइंट फैमिली थी वो क्या हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। न्यूक्लियर समझते हो कि सिंगल सिंगल फैमिली होती जा रही है, जिसके कारण क्या होगी उनकी जो डिमांड है। अब पहले तो क्या होता था कि एक टीवी के अंदर ही सारे व्यक्ति देख लेते थे बैठ के, अब क्या हो रहा है कि अब तो एक एक घर में ही अगर एक परिवार है, एक ऊपर एलईडी मिलेगी रूम में, एक नीचे एलईडी मिलेगी रूम में। तो यहाँ पे आपने एलईडी जिससे खरीदी है उसका तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो लोगों की विचारधारा है, लोगों की जो बिलीव है, कस्टम्स है, रिलीजन हैबिट है, प्रेफरेंस है, लैंग्वेज है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, वैल्यू है, सब के सब हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे एक तो यही हो गया एलईडी का, दूसरा अगर आपका ब्रेड पकोड़े का बहुत बड़ा शोरूम है, ठीक है, आपने वहां पे पोस्टर लगा रखा है कि शराब पीने वालों के लिए यहाँ पे एंट्री नहीं है। अगर वो नॉर्मल सी बात है, अगर वो एंटर करेंगे तो दूसरे लोग नहीं आएंगे, अगर दूसरे लोग आ रहे हैं तो उनको एंटर नहीं किया जा रहा है। क्या पता यही ऐसा पर्सन हो कि ये इसको बिल्कुल सख्त हो कि नहीं, शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है और मैं ऐसे व्यक्तियों को ना तो मेरे रेस्टोरेंट में आने दूंगा ना ऐसे, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल कैजुअल बात की जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसी इसका बिलीव है, समझ पा रहे हो। तो ऐसे ही बात की जा रही है, तो देखो यहाँ पे नीचे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर फैमिली सिस्टम के बारे में बात की जाए, तो फैमिली सिस्टम अब क्या हो रहा है, अब चेंज होता जा रहा है, ज्वाइंट फैमिली से क्या होता जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली या फिर मैं कहूँगी स्मॉल फैमिली में होता जा रहा है। सॉरी, तो जो डिमांड है घर में, जितनी भी चीजों की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। पहले दो भाई एक साथ रहते थे, अब वो सिंगल सिंगल हो गए हैं, तो दोनों के लिए जो डिमांड है वो अलग अलग हो जाएगी। स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन, एजुकेशन के बढ़ने से आपकी जो विचारधारा है, आपका जो कस्टम है,
उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आया, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट का मैंने आपको बताया, सोसाइटी के अंदर आप अलग ही इनका रोल अब नजर कर रहे होंगे। इवन बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अभी मेरे को देख रही हैं, ठीक है, क्या पता वो कुछ और बन जाए, ठीक है। उम्मीद करेंगे सभी बच्चे जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सब अपने जो ऑब्जेक्टिव है, जो अपना एम है वो कंप्लीट करें, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ बात बताई थी ना कि अगर घर में एक बच्चा अगर पढ़ जाता है ना अच्छा वाला, किसी बुरी संगत में ना पढ़े, तो जो नीचे भाई बहन होते हैं ना उसका रास्ता खुल जाता है। ये एक्चुअल में है, ये बात ना दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या पता आप भी बड़े हो घर में, या फिर आप छोटे भी हो सकते, छोटे भी मिसाल बन सकते, जरूरी नहीं है बड़े ही बनते, छोटे भी मिसाल बन सकते, ठीक है। कभी कहें कि नहीं नहीं मैम हम तो छोटे हैं। नेक्स्ट आ जाता है सम रिलीजन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ एक जैसे कि धर्म के अंदर रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आपको ये बिजनेस नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं उस एरिया के अंदर वो बिजनेस नहीं मिलेगा, या फिर आप उस एरिया में ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो जैन धर्म के जो पर्सन होते हैं वो क्या नहीं करते, अलाउ नहीं करते, नॉट अलाउ, अपने जो कमेंट जो अपनी अपने रिलीजन के जो व्यक्ति होते हैं उनको अलाउ नहीं करते कि वो लैदर इंडस्ट्री या फिर मैं कहूँ सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग, वाइन मेकिंग, सी फूड बिजनेस में कभी एनरोल होते हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए इस्लाम रिलीजन की, तो वो मनी लैंडिंग उसकी पैसे के लेन देन या फिर उधार इंटरेस्ट इनके बारे में कभी बिजनेस नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है ऐसे एरिया में वो अपना या फिर ऐसे एरिया में कोई और बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता। डिफरेंट लैंग्वेज की बात की जाए, लैंग्वेज ही डिफरेंट है। अब देखो इंडिया के अंदर ही देखो कितने स्टेट हैं, सबकी जो देखो नेटिव लैंग्वेज अलग अलग है, है ना। हिंदी बोली गई है बट सबकी जो जैसे कि कन्नड़ है, तेलुगु है, महाराष्ट्र है, तमिल है, ठीक है, मराठी है, गुजराती है, ठीक है, ये सभी की सभी लैंग्वेज अलग है। तो नॉर्मल सी बात है जो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होगा वो भी क्या होगा, बट डबल हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो बिजनेसमैन को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट मिल रहा है, क्योंकि उसका बिजनेस बढ़ रहा है तो पैसे तो लेगा ना भाई डबल करने के, डबल करने के। इसकी जो लैंग्वेज है उसको हर लैंग्वेज में ऐसे लगाते हैं ना ऊपर, जो ब्लूटूथ टाइप में ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लैंग्वेज को चेंज करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी फिलहाल मेरे को उसका नाम रिकॉल नहीं हो रहा, तो उसका जो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या होता है जब भी कोई ऐसा बाहर से देश से कंट्री से किसी और कंट्री से, मैं कहूँ कि कोई पीएम या फिर प्रेसिडेंट आ रहा है इंडिया के अंदर, तो जिस एरिया में वो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो जो मेंबर होते हैं जिनको वो सुनना होता है, तो उनके लिए स्पेशल वो मंगवाया जाता है कि आप यहाँ से हिंदी में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ट्रांसलेटर, राइट राइट। तो उस टाइम तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे वही बात है, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो खाने पीने के सामान की, ठीक है, कहीं जगह नॉन वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उनके लिए तो यही है जो है, और कहीं जगह ये कहा गया है कि नहीं नहीं ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी कल्चर में खाया नहीं जाता, है ना। तो यही बात है कि अगर प्रोडक्ट की बात की जाए, जैसे बियर हो गया, विस्की हो गया, नॉन वेजिटेरियन फूड्स हो गए, कहीं पे ये एक्सेप्ट नहीं किया गया किसी एक कल्चर में, और कहीं पे यही एक्सेप्ट किया गया है अदर कल्चर में, ओके। नेक्स्ट जाता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। देखो टेक्नोलॉजी आज के टाइम में ना हर टाइम कुछ ना कुछ बदलती जा रही है। जो घड़ी नजर आ रही है ना, ये जैसे घड़ी की जो सुई है ना बदलती है, वैसे ही टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, चेंज होती जा रही है। अगर इन बिजनेस ने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया तो वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। देखो इस टेक्नोलॉजी के ना कहीं बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। बेनिफिट अगर बात की जाए, जैसे कि पहले के टाइम में जैसे कि कोई ऑपरेशन करना होता था तो आपको एक बहुत बड़ा रिस्क लेके उसको करना होता था, है ना। बट आज के टाइम में क्या है, इंस्ट्रूमेंट इतने बढ़िया आ रहे हैं कि क्या है, आप इजिली ओपन हार्ट सर्जरी होगी, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन होगी, बर्थ अगर आपको कंट्रोल पैस करना है, या फिर मैं कौन डिलीवरी करनी है, तो हर चीज के एक कितने सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो पहला पहलू जो पॉजिटिव है, जो सुंदर नजर आ रहा है, बहुत अचंभित है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, इज इट पॉसिबल, तो यस इज इट पॉसिबल ड्यू टू देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, राइट। बट अगर बात की जाए इससे नुकसान की बात की जाए, जो कि डरावना है, तो वो क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन बम बनाए जा रहे हैं, इसका गलत प्रयोग भी हो सकता है, मिसाइल्स है, इसका भी गलत प्रयोग हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी ये इन्होंने लाइफ स्टाइल हो गया, लिविंग कंडीशन हो गया, चेंज कर दिया। अगर ये चीज टेक्नोलॉजी नहीं आती तो क्या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी तो क्या वो सर्जरी करवा पाते, जिनको किडनी की प्रॉब्लम थी क्या वो ट्रांसप्लांटेशन करवाते थे, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं इसके फायदे भी हैं, कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी। और दूसरा अगर इसके यहाँ पे देखा जाए कि जब भी कोई समय न्यू प्रोडक्ट इन अ फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस ट्रांसपोर्टेशंस एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव अ सिग्निफिकेंट इन द बिजनेस। अब देखो पहले क्या होते थे, गाड़ी घोड़े होते थे,
है ना। फिर क्या है, साइकिल, बाइसाइकिल जिसे हम कहते हैं, फिर बाइक, फिर गाड़ियां, ठीक है। अब तो ऐसा सिस्टम चला हुआ है कि आपको ना गाड़ी घोड़े की जरूरत है, ना बाइक मोटरसाइकिल गाड़ी की किसी की भी जरूरत नहीं है। मेल कर दीजिए आपको वहां पे डायरेक्ट, आप कहीं और बैठे हैं, आप दिल्ली के अंदर बैठे हैं, आप पंजाब के अंदर मेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि डिपार्टमेंट में ऐसा मोस्ट ऑफ होता है, ये तो नहीं है कि आप खुद देने जाते हो, नहीं ना। इवन आप अपने घर में भी ऐसा होता है ना, तो टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई कि आप घर बैठे बैठे भी क्या कर पा रहे हो, अपने आप को इतना अपडेट। आप देखो घर बैठे आप पढ़ रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब एक इंटरनेट है, कैसे आपको मेरी वीडियो दिख रही है, इंटरनेट के जरिए, है ना। तो फर्स्ट चेंज जो भी, अगर देखो कोई भी चीज नहीं आ रही है, देखो जैसे मैंने खुद पहले, जैसे कि हम क्या करते थे, हैंडमेड नोट्स बनाते थे, है ना। अब आपको ये क्या है, डिजिटली नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जब मैंने इस चीज को अपनाया तो कहीं ना कहीं मुझे भी प्रॉब्लम हुई है ना। तो जब भी कोई चीज जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती है, देती है, अगर आप उसको अडोप्ट नहीं करोगे तो, है ना। अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी में, सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी का गुरु माना जाता है वो कंट्री कौन सी है, जापान, जापान है, ठीक है। वहां पे सबसे ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट जाता है नेचुरल। अब देखो ये बिजनेस पे कैसे इंपैक्ट डालेंगे, देखो इनको बार बार बताने की जरूरत नहीं। अगर आप इसने इसको अडोप्ट नहीं किया तो नॉर्मल सी बात है, ये आपके लिए नुकसानदायक है। मैंने टीचिंग का सबसे पहले एग्जाम्पल ही ले लिया था। नेचुरल एंड द फिजिकल एनवायरमेंट, ये नजर आ रहा है नेचुरल एनवायरमेंट है ये। आपको यहाँ पे एटमोस्फियर नजर आ रहा होगा, हाइड्रोस्फियर नजर आ रहा होगा, ठीक है, बायोस्फियर, लिथोस्फियर, ये सभी है। ये एक ऐसा एनवायरमेंट है, हवा पानी ये बोलते हैं ना। अब यहां पर लिविंग थिंग्स भी है, ये नॉन लिविंग थिंग्स भी है, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग थिंग्स है। यहां पे मैं कहूँ कि जो पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, ये सभी इसमें। अब यहां से जो निकलने वाला जो धुआं है, अगर इनको इफेक्ट करता होगा तो आपके बिजनेस के लिए नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि धुआं निकलना दैट मीन्स एयर पोल्यूशन कर रहे हो। अगर आपका काम इंजन को, या फिर मैं कहूँ कि ऐसा काम है जिससे आपको नॉइस इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है कि वहां पर रहने वाले लोगों के लिए काम की जो प्रॉब्लम इतनी हो गई है, जिसकी कहीं ना कहीं हम कहे बहरेपन का जो है महसूस हो रहा है लोगों को, तो कहीं ना कहीं वो कंप्लेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जियोग्राफिकली एंड द इकोलॉजिकली फैक्टर इंक्लूड है। क्योंकि इकोलॉजिकल का मतलब क्या है, जहां पर आप क्या करते हो, आपको जीवित व्यक्ति, नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स दोनों एक साथ रहते हैं, उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर, क्लाइमेट कंडीशन एंड देयर इज अ पोर्ट फैसिलिटी, टोपोलॉजिकली फैक्टर्स हो गया, जैसे कि सोइल हो गया, इनलैंड हो गया, सी, रिवर, ये सभी ना सभी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट भी है, आप इनको इंफेक्ट भी करते हो। अब मैं कहूँ कि जैसे कि मेरी इंडस्ट्री है सुगर केन की, ठीक है, तो मेरी इंडस्ट्री को कहाँ सेट करना चाहूंगी, जहां पे सुगर, जो सुगर के गन्ने की खेती होगी, सुगर केन की जो फील्ड हो गए, है ना। मैं ये सुगर केन से क्या बना रही हूँ, चीनी बना रही हूँ, फिर मैं गुड़ बना रही हूँ, ठीक है। तो मेरी इंडस्ट्री कहाँ सेट करनी पड़ेगी मुझे, ऐसे फील्ड में, ऐसी लोकेशन में जहां पर मुझे वो प्रोडक्ट आसानी से मिल जाए, ठीक है, फिजिकली वो इन्वायरमेंट मुझे मिले, समझ पा रहे हो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट एंड द वेदर कंडीशन अफेक्ट द लोकेशन ऑफ द सर्टेन इंडस्ट्री। कुछ एक जो आपके जो क्लाइमेट होते हैं, ठीक है, जो आपके वेदर होते हैं, वो आपकी लोकेशन को डिफाइन करते हैं, आपकी जो इंडस्ट्री है उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात है के अंदर है। अगर बात की जाए जियोग्राफिकली फैक्टर अफेक्ट द लोकेशन ऑफ द सर्टेन इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है, वहां लोकेटेड होगी जहां पर उनको रॉ मटेरियल मिलता होगा, जैसे कि बिहार और उड़ीसा के अंदर है। सुगर इंडस्ट्री है जैसे कि वो कहाँ सिचुएटेड होगी, वो सुगर केन वाले कल्टीवेशन फील्ड के अंदर पास होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया। फिश इंडस्ट्री है वो कहाँ सेट होगी, वो इसी पोर्ट के कोस्टल के पास होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स है वो कहाँ होगी, लोकेटेड नियर द पोर्ट होगी। सो द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज, जिससे कि क्या होगा कि आपका बिजनेस उस स्पेशली एरिया के पास नजदीक ही पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो लेके आने लेके जाना इनका जो झंझट है वो कम हो सकते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए अब इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की, का मतलब क्या है कि एक इंटरकनेक्शन होता है किनके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, एंड देयर इज इंटरेक्शन विद द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। लिविंग क्या है, दैट मींस प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, और नॉन लिविंग जैसे कि सोइल, वाटर, एयर, क्लाइमेट एक्सेट्रा। अगर इनके बीच में, दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठी, तो कहीं ना कहीं आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा दूषित हो जाएगा, जिसके कारण आपकी एयर पोल्यूशन, या फिर मैं कहूँ कि वाटर पोल्यूशन, ठीक है,
नॉइज पोल्यूशन, ये काफी सारे बढ़ सकते हैं। और तो गवर्नमेंट ने इनके लिए स्पेशल रूल रेगुलेशन भी फ्रेम किए हुए हैं कि आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी जैसे कि होते हैं ना कि अगर कोई इंडस्ट्री में इतने हार्ट्स से ज्यादा आवाज निकलती हो, ठीक है, तो वो इंडस्ट्री इतने किलोमीटर एरिया से दूर होनी चाहिए। ये यूजीसी नेट का सिलेबस है जिसके अंदर बताया गया है कि जब कोई इंडस्ट्री की लोकेशन इतनी दूर होनी चाहिए, अगर आपका काम इस तरीके का है, लोकेशन इतनी दूर होनी चाहिए अगर आपका काम कुछ उस तरीके का, मतलब कहीं ना कहीं आपके पास एक लिमिट रख दी गई है। अगर वो लिमिट सेटिस्फाइड होती तो आप उस इंडस्ट्री में को सेटअप कर सकते हो एनवायरमेंट के अंदर, अदरवाइज नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट आ जाता है लीगल लीगल एनवायरमेंट। लीगल एनवायरमेंट का मतलब क्या है? रूल रेगुलेशन से बात की जा रही है। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो आपके रूल रेगुलेशन बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपको लाइसेंस बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, वीजा बनवाना है, ये सभी बनवाने हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रोसीजर है, राइट? उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बनवाओगे, राइट? अगर मैं कहूँ कि आपको एक बिजनेस सेटअप करना है, आपको एक कंपनी सेटअप करना है, तो कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रार के अंदर अपने प्रोस्पेक्टस को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, इन सबको सबमिट करवाने की जो रूल रेगुलेशन बताई हुई है आपको करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे यही बात है कि कहते हैं कि द लॉ रेगुलेशंस एंड द लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न द बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस एक्टिविटीज को बताता है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये वैध है, ये अवैध है। दिस लीगल स्ट्रक्चर प्ले एंड क्रिटिकल रोल इन द शेपिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की शेप करने के लिए ये कहीं ना कहीं रोल अदा करते हैं। अगर कहीं ऐसा मान लिया जाए कि जैसे कि वो कहते हैं कि जो जो फिजिकली फिट नहीं होता वो आर्मी में, या फिर मैं कहूँ कि ऐसे फोर्स में, पुलिस फोर्स हो गया या CRPF हो गया, CIF हो गया, इनके अंदर भर्ती नहीं हो सकते, है ना? तो ऐसे ही रूल रेगुलेशन हमारे गवर्नमेंट भी बनाती है फॉर द बिजनेस के लिए। फॉर्मेशन एंड द स्ट्रक्चर की बात की जाए कि आपके जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है, हर एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हर एक कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या है, रूल रेगुलेशन है। ऑपरेशन की बात की जाए, दैट मीन्स ये देखा जाता है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो बिजनेस रेगुलेट होने जा रहा है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, क्या वो उस इन्वायरमेंट के लिए सही है या नहीं है, सेफ है, लेबर प्रैक्टिस का फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, इन्वायरमेंट स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो कर रही है नहीं कर रही, उनको देखा जाएगा। कंपटीशन की बात की जाए, अब देखो कुछ एक ना कंट्री के अंदर क्या होता है कि वो मोनोपोलिस्टिक हो जाती है, मोनोपोली, और या फिर मैं कहूंगी एंटी कंपटीशन बिहेवियर। ये कंपटीशन वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाले भी पढ़ा था हमने, इवन कंपटीशन एक्ट के अंदर भी पढ़ा था कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि जब कोई बिजनेस अपनी ही, ये कहते हैं ना मेरी ही सत्ता है, पूरी मार्केट में सारी मेरी दुकान है, जिससे सामान लोगों को सबसे एक जैसा रेट मिलेगा, ऐसा होता है ना? तो दैट मीन्स अपने ही सेलिंग प्राइस खुद के साथ डिसाइड करना, मार्केट का प्राइस नहीं, खुद अपने आप डिसाइड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उन्होंने फेयर कॉम्पिटिशन को प्रमोट किया है, मोनोपोली को नहीं प्रमोट किया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की प्रोटेक्शन करने के लिए भी उन्होंने कुछ एक रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सेफगार्ड, जैसे कि पेटेंट हो गया, इनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है कि आप अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर्ड करो। जैसे पेटेंट का 1972 है, ठीक है, इन सब के अलग अलग एक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर्ड करना होगा। सबका पेटेंट नंबर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अलग अलग होता है, कोई किसी का ऐसे यूज नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एंड द एग्रीमेंट। लीगली एनवायरमेंट पढ़ रहे हो तो कोई भी आप अगर बिजनेस चला रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, आपके बीच में क्या होना चाहिए, जो भी दो पार्टी है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो भी उस बिजनेस को ऑपरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात की जाए तो इंपोर्ट कितना कर सकते हो, एक्सपोर्ट कितना कर सकते हो, कोई लिमिट भी है ये सबको, जैसे कि एरोप्लेन में जाने के लिए लिमिट होती है कि आप 25 से 30 किलो तक आप वजन लेके जा सकते हो, उसके से क्रॉस किया तो आपसे ज्यादा पेनल्टी चार्ज करने लग जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने ज्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया तो टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे, कस्टम ड्यूटी लगानी शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, आप इंपोर्ट कम करेंगे, भारतीय करेंसी भारत में ही रहेगी, ये देखा जाता है, ठीक है। अब बात आ जाती है डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट की। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे हैं एक इंसान के बारे में, एक इंसान के परिवार के बारे में, इंसान की पॉपुलेशन, जो इंडिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उनके बारे में स्टडी की जा रही है। दैट मीन्स उसकी जो एज कितनी है, उसका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि पता है क्या होता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, रीजन बताती हूँ ऐसा क्यों है। ये मार्केटिंग में भी, मार्केटिंग का जो एक सब्जेक्ट है ना, मार्केटिंग के अंदर कंपोनेंट है, एक इंटरनल फैक्टर है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है, सेम एज इट इज पॉइंट रहेंगे आप, ठीक है। तो यहां पे एज की बात की जाए, अगर आपकी उम्र मैं कहूं कि 5 से 10 साल की, तो आपकी जो डिमांड होगी ना प्रोडक्ट की वो अलग होगी।
मैं कहूँ कि आपकी उम्र 10 से 20 साल के बीच में, तो आपकी डिमांड कुछ और होगी, है ना। इस साल की जैसे मैं कहूंगी 15 से 20 साल की उम्र में सबसे ज्यादा क्या होती है, बड़ी साइकिल या फिर मैं कहूँ स्कूटी या बाइक लेने की जो बच्चों के मन में जब सबसे ज्यादा इच्छा होती है, या फिर मैं कहूँगी फोन लेने की जो सबसे ज्यादा इच्छा होती है, यहाँ पे होती है। तो कंपनी क्या कर रही है उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर छोटे बच्चों की बात की जाए उनके लिए टॉयज होते हैं, ठीक है, आजकल तो इतनी अच्छी गाड़ियां आ चुकी है कि उनको स्कूटी की जरूरत नहीं है, वो सड़कों पे अपनी गाड़ियां चलाते हैं, देखी होगी आपने भी शायद, है ना। तो यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर फैमिली स्ट्रक्चर छोटा है, ठीक है, 3 व्यक्ति का ही है, तो वहां से कम डिमांड आएगी। अगर मैं कहूंगी फैमिली स्ट्रक्चर पूरे 25 बंदों का है तो क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। अगर ये फिर अलग हो जाए तो फिर वहां पे कंपनी को फायदा है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब ये सभी के सभी आपके फैक्टर डिपेंड करते हैं आपकी बिजनेस के सेल को, परचेज को, ऑपरेशन को, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो यही बात लिखी गई है कि आपका एज स्ट्रक्चर क्या है, आपका जेंडर क्या है। देखो अगर आप मेल हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, राइट। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, अगर आपकी कम इनकम है तो आप कैसे प्रोडक्ट को हायर यूज करने की बात करोगे, मीडियम की बात करोगे। अगर आपकी इनकम ही अच्छी है तो क्या आप कम मीडियम लेवल के प्रोडक्ट को यूज करोगे, नहीं करोगे। फैमिली साइज देखा जा रहा है, फैमिली लाइफ साइकिल देखी जा रही है, ठीक है। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, दैट मींस आप किस तरीके का काम करते हो, उनकी बात की जा रही है। आपने कितना एजुकेशन लिया है, ठीक है। सोशल क्लास भी देखी जाती है कि आप अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, ये सभी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखो आपकी सहूलियत के लिए मैंने ये जो सारे के सारे जो पॉइंट है यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में भी दिखाई हुए कि आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं यहाँ पर कि आपको और ज्यादा आसान हो जाए। आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करें, अपने जो चैप्टर्स हैं इनको ऑपरेट कर सकते हैं, सॉरी ये जो वीडियो इनको ऑपरेट कर सकते हैं। आपको नजर आ रहा होगा जैसे कि यहाँ पे हर स्ट्रीम के जो क्या है चैप्टर, चैप्टर बार बार आ रहा है, हर जो स्ट्रीम के हैं क्वेश्चन पेपर आपको नजर आ रहे होंगे, चाहे आप एमबीए से हैं, एमबीए से हैं, बीकॉम एमकॉम के सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है 143 वीडियोस फॉर द स्पेशली फॉर द बीकॉम क्लासेस और एमकॉम क्लासेस के, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से, सीआरएसयू से हैं, इग्नू से हैं, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से हैं, सीडीएलयू से हैं, ठीक है, इन सब से, डीयू के भी हैं यहाँ पर, राइट, डीयू के भी हैं, सीयू के भी हैं, पीयू के भी हैं। तो यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटीज के जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। सो आप प्लीज वहां पर विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इनका कंक्लूजन ड्रॉ करूं तो आपके लिए कंक्लूजन भी है। अब ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, जो कॉमन मुझे क्वेश्चन लगा मैंने वही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डिफाइन द इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट को डिफाइन कीजिए। हाउ डज द होम कंट्री इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। कैसे होम कंट्री जो इन्वायरमेंट है इन्फ्लुएंस करेगी किसी अदर फॉरेन बिजनेस, कोई ऑपरेटर हमारे यहाँ पे आते हैं तो कैसे, तो नॉर्मल सी बात है, दोनों के दोनों फैक्टर इफेक्ट करेंगे उसको, एक्सटर्नल फैक्टर की बात की जा रही है, ठीक है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, ₹9 आपको इसके लिए पे करना होगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है लेना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दोनों आपको अवेलेबल है, ठीक है। आप टीम के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए और आपको बता देंगे कि कैसे आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और नाम और आपकी यूनिवर्सिटी, आपको किस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्या है यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा पहले बता दीजिए कि मुझे इस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे ट्रेड थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर ये जो तीनों थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी, और इसके साथ साथ ये इन सभी के थ्योरी पढ़ेंगे। ये तो हमारी मॉडर्न और क्लासिकल दोनों मैंने इसके अंदर मिक्स करके दिखाई हुई है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय जी।